हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई एम डूइंग स्टुपेंडस, फैंटास्टिकली अमेजिंग। मैं ठीक हूँ। अच्छा, दिस इज माय मॉम। आपने देखा ही होगा इनको। और अभी मैं और मॉम थोड़ा डिनर लेने जा रहे हैं, तो आपको भी साथ में लेके चलते हैं। लेट्स गो। जाऊँ चलें? यस, चलो चलते हैं। जाने के लिए ऑलवेज रेडी। आई नो। चलो, यहाँ पे अभी मैं अभी डैड की गाड़ी लेके जा रही हूँ। मॉम बैठ जाएगी आगे और मैं ड्राइव करूँगी। लेट्स गो। तो मैं आ गई हूँ यहाँ ओएसिस बेकरी एंड कैफ़े पे। ये पूरा इनका 24 आवर्स वाला पूरा स्टोर है। सो लेट्स गो इनसाइड। यहाँ पे ये उनका पूरा मेन्यू है, बहुत सारी आइटम्स है। मोस्टली मनाकिश है एंड दे हैव पिज्ज़ा। पूरी बेकरी का स्टफ भी है यहाँ पे। They have so many bread items, bakery items. यहाँ पे ये पूरी ब्रेड स्टिक्स हैं। Then they have special crackers as well. And too many items. मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। They have this Christmas tree. So pretty. And इस साइड केक्स वगैरह। तो ये केक है, स्पॉन्ज केक। Then they have cupcakes like this. एंड देन यहाँ पे मेन पूरे केक्स विच आर लाइक लवली। हर साइज में अवेलेबल होते हैं, तो आपको जिस साइज में चाहिए उस हिसाब से आप ले सकते हो। केक्स ही केक्स है यहाँ पे पूरे। एंड देन दे हैव लाइक डिजर्ट्स ऑल्सो। सिंगल डिजर्ट्स भी है, बड़े साइज के डिजर्ट्स भी है। हनी केक है। एंड देन दे हैव पेस्ट्रीज एज वेल। यूजुअली जो भी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हम, मतलब उसके लिए यहाँ से पेस्ट्री ले लेते हैं। बहुत सारा कलेक्शन होती है, बहुत सारी वैरायटी होती है इसमें। एंड ये इनका मेन हुमुस, जो हम उसके साथ खाते हैं। एंड बाकी ये टोस्ट, ब्रेड, फ्रेंच बन, वो सब। यहाँ पे दूसरी चीज़ें भी हैं, ऐसे डेकोरेशन वाले चॉकलेट्स भी आपको मिल जाएंगे। दीज आर जस्ट यम्मी। ये सारे टार्ट्स भी है इसमें। और यहाँ पे ये नान खटाई जैसा है, नान खटाई जैसा। और आइटम्स यहाँ पे मैकरोन्स, दीज आर सो क्यूट। हर एक चीज़, मतलब जो बेकरी में आपको मिलनी चाहिए होती है, वो सब यहाँ पे मिल जाएगी। ये टार्ट्स, ये मेरे फेवरेट हैं, बहुत यम्मी होते हैं। अभी खाना आ चुका है, अभी हम घर जा रहे हैं। यहाँ पे मॉम बैठी हुई है। हाय मॉम जी। हाय। भूख लगी है ना? भूख लगी है। चलो, तो क्या खुशबू आ रही है, पूरी गाड़ी महक रही है। ऐसा लग रहा है कि इधर ही खा लेते हैं, फिर जाते हैं घर। नहीं, बट घर पे फिर घर वाले भी है ना, तो उस वजह से थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं और इधर वेट कर रहे हैं। वी विल गो होम एंड ईट नाउ। तो यहाँ पे खाना आ चुका है। क्या कर रहे हैं? एकदम रेडी है। अच्छा, फुल भूख लगी ना? हाँ, कटी ना रोटली। अरे हाँ, ये मनाकिश वगैरह नहीं खाएंगे, ये ऑथेंटिक देसी फूड खाएंगे आज। ये पॉपकॉर्न चाऊ कर गए इधर। कौन बची है पॉपकॉर्न? यहाँ पे भाई के लिए मैंने चाय रख दी है गर्मा गर्म। और अभी मैं अपने लिए थोड़ा सा सैलेड कट करूंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे कुकुम्बर लिया है और थोड़ा सा बीटरूट लिया है। इसको खच 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 करके चॉप कर देंगे। कुकुम्बर में इसमें बीटरूट डाल दिया है, थोड़ा सा कॉर्न था फ्रोजन, उसको पानी में डुबो के थोड़ी देर रखा था, वो भी इसमें डाल देंगे। एंड
ये सब हो गया मस्त कलरफुल। अभी इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, गूज 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 ऐसे ये मिक्स करेंगे ना, तो ये बीटरूट का जो मस्त कलर आ जाएगा ना इसमें, इतना यमी दिखता है। तो मतलब ऐसा लगता है कि हाँ आप खाए, खाने का इसको दिल करता है, वरना सैलेड किसको पसंद है यार, सैलेड कौन खाता है। तो इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए देखिए ये मस्त पिंक सैलेड बन चुका है। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर डाल के अभी हम इसको चाव कर जाएंगे। आप चाहे तो थोड़ा इसमें टमेटो भी डाल सकते हो या फिर जो भी लेटिस है, पालक है, बट वो मेरे पास अभी नहीं है तो मैं इससे काम चला रही हूँ। सो या तो यहाँ पे आ गया है वेजिटेबल पिज्ज़ा, ये है चीज़ मनाकिश, ये है चीज़ विथ वेजिटेबल, ये है चीज़ एंड स्पाइसी मिक्स ओनली चीज़, ये है ज़ातर मोम और डैड का, और ये सलाद, यहाँ पे माउंटेन ड्यू, भाई की चाय। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।